रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं नींबू का अचार, जिसमें ना तो तेल जाएगा, बस थोड़े से सामान के साथ ये बन जाता है और बहुत झटपट बनता है। यह मैंने एक पाव नींबू लिए हैं, जिस नींबूओं को हमने हल्का सा निचोड़ना है और बाकी इसको इसी तरह से छोड़ देना है। सारा इसी तरह से हमने निचोड़ेंगे। हमने नींबू को धो के अच्छे से खुश कर लिया था, इसमें पानी नहीं होना चाहिए, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इसमें जो जाएगा सामान हमारा, वो है एक टीस्पून जो है वो काला नमक, एक टीस्पून ही ये सादा नमक जो आम हमारे खानों में इस्तेमाल होता है, दो टीस्पून हमने मिर्चें ली हैं पिसी हुई, और ये मैंने ली है 2 से 3 अदद, ये पीपली होती है, ये इस तरह की होती है पीपली, इसको मैंने ग्राइंडर में डाल के, जो कटोरी होती है ग्राइंडर की उसमें डाल के मैंने इसको बारीक पीस लिया है। ये काली मिर्चों की तरह का टेस्ट इसका होता है। और थोड़ी सी अदरक ली है, अदरक आप ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो आप डालें, ये और बहुत मज़े की इसमें वैसे लगती है। ये सब चीज़ें डाल के हमने इनको मिक्स कर लेना है। हम इसको अच्छे से इसमें ये मिक्स कर देंगे और आप इसको अच्छे से जार के अंदर अपने डाल के रख लें, तो ये नींबू और मज़ीद अपना ये रस छोड़ेंगे, तो ये काफ़ी सारा इसके अंदर ये इसका जूस हो जाएगा नींबू का। और इसको आप इसको पहले 2 दिन के लिए इसको धूप में रखें, ताकि ये अच्छे से इसके जो है छिलके वो गल जाएं। उसके बाद आप इसको 2 से 3 महीने के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं इस्तेमाल। ये आजकल जैसे सर्दियां आप शुरू हो रही हैं, तो जिनका खाने हजम ना ही होता हो तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है ये, और सब्ज़ी के साथ भी बहुत मज़े का लगता है, और दाल चावल के साथ भी बहुत मज़े का लगता है ये वाला अचार, और जिसको खा के बहुत मज़ा आता है। और हमें हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी दुआओं में याद रखें।